आज हम मौजूद हैं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में स्थित श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय में, जो कि भारतीय सनातन परंपरा से संबंधित, सनातनी परंपरा से संबंधित विद्यालय है। इसमें तमाम तरह की संस्कृत से रिलेटेड शिक्षाएँ दी जाती हैं। तो आज हम मौजूद हैं प्राचार्य श्री अरविंद चतुर्वेदी जी के साथ, तो उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है और कैसे कैसे कक्षाएं संचालित की जाती हैं और क्या क्या विषय इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो श्री मान जी, हम जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य है और कब स्थापित किया गया। सन 1949 में जी, जब भारत स्वतंत्र हुआ जी, उसी समय पर उस समय तत्कालिक गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य जो पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जी ने जी, अपने कर कमलों से इस विद्यालय की स्थापना की। चूँकि भारत उस समय स्वतंत्र हुआ था जी, ऐसा ना हो जी, कि हमारे जो हिंदू वर्ग हैं उनको इस परंपरा से, हमारी संस्कृति से वंचित रहना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इस तराई एरिया में उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कि लोगों को अपनी परंपरा से कहीं विमुख न हो जाना पड़े, इसके लिए एक संस्कृत विद्यालय की परम आवश्यकता है। और उन्होंने सन 1932 में जहां महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की जो स्थापना बख्शीपुर में किया, तो 1949 में इस प्रांगण में, गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में ही इस विद्यालय की स्थापना की। और वह जानते थे, स्वप्नद्रष्टा थे कि भविष्य में कहीं विद्यालय अगर इतर रहेगा तो उस चीज़ से वंचित न रह जाए, इसलिए इस मंदिर से जो है उसको पुष्पित और पल्लवित किया जाए और यह विद्यालय अपनी सनातन परंपरा को बरकरार रखे और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करे। बहुत अच्छा व्यवस्था है मित्रों, और इस तरह की विद्यालय बल्कि गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को इस परंपरा से रूबरू कराना चाहिए। तो सर जी, इसमें कौन कौन सी कक्षाएं संचालित की जाती हैं, थोड़ा इसके संबंध में। हमारे यहाँ एक प्रथमा से लेकर कक्षा छः से लेकर के जो जिसको हम लोग परंपरागत मानते हैं जी, और आचार पर्यंत, मतलब कक्षा छः सात आठ को प्रथमा, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष को कक्षा नौ और पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष को कक्षा दस, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष को ग्यारह और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष को बारह ये कक्षा मानते हैं जी, यही इसके। और शास्त्री प्रथम वर्ष जो बीए के वर्ष समतुल्य होता है, शास्त्री द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के समतुल्य है, और शास्त्री तृतीय जो बीए थर्ड ईयर के समतुल्य है, आचार्य जो एमए के बराबर होता है, आचार्य द्वितीय जो है एमए द्वितीय वर्ष के बराबर होता है, अर्थात प्रथमा से लेके आचार पर्यंत यहाँ कक्षा संचालित होती हैं। जो हमारे यहाँ छात्र इस परंपरा से किसी भी वर्ग के चाहे वह, कोई भेदभाव नहीं है, हमारा जो भोजनालय है इसीलिए किसी भी बच्चों को यहाँ भोजन का, जो छात्रावासी होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था एक मेस है, छात्रावास की भी व्यवस्था है जी, छात्रावासी व्यवस्था है। छात्रावास में इस समय वर्तमान में 500 के लगभग छात्र जो है जी, 500 छात्र रहते हैं और इनका भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क है, भोजन पूरी तरह से निःशुल्क है व्यवस्था जी, बड़ी भोजन और छात्रावास, उनके सोने की व्यवस्था, विद्युत आदि ये सभी निःशुल्क है, पूरी निःशुल्क, ये गोरखपीठाधीश्वर के द्वारा दी जाती है जी। और उसका मेस चलाया जाता है, मेस में ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई भोजन बना करके बैठें, छुआछूत की कोई परंपरा नहीं है यहाँ, भोजन बनाने वाले भी चाहे वो हरिजन के भी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, पिछड़ी जात के होंगे, तो वो सभी लोग एक साथ बैठ करके इस परंपरा का पालन करते हैं और यहाँ से एक संदेश जाता है सामाजिक समरसता का, जो आप पहले भी सुने होंगे हमारे गोरखपीठाधीश्वर द्वारा, और अभी इसके निरंतर इसमें जो है प्रयत्नशील हैं सभी लोग।
तो सर जी, छात्रों के चयन का आधार क्या है, किस प्रकार से छात्रों का चयन किया जाता है, तो थोड़ा सा उसके संबंध में। यदि कक्षा 8 उत्तीर्ण करके बच्चा आता है जी, तो किसी अन्य विद्यालय में, कक्षा अन्य विद्यालय से जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय चलते हैं, प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलते हैं, वहाँ से कक्षा 8 यदि पास करके वो बच्चा आता है जी, तो हम सब प्रथम उस बच्चे का उम्र भी, कैसे कि कहीं अधिक उम्र का बच्चा ना हो जी, यहाँ 12 से 13, 14 के बीच में बच्चे को रखते हैं। अच्छा। उन बच्चों का एक सामूहिक टेस्ट होता है जी, जिसमें वह बच्चा यदि उत्तीर्ण होता है जी, तो बौद्धिक भी जो है उसका देखा जाता है जी, उसे तत्कालिक कितनी क्षमता है उसके अंदर रटने के लिए जी, और पढ़ने की, तो उसको एक श्लोक अथवा 2 श्लोक उस समय दिया जाता है जी, और वह जो बच्चा जितने समय जल्दी से जो है सुना देता है जी, हम उसे उतना ही अच्छा मानते हैं जी, कुछ बच्चे 1 घंटा में सुना देते हैं जी, कुछ बच्चे 2 घंटा लेते हैं, कुछ 3 घंटा लेते हैं जी, तो इस तरह से हम मेरिट उसका भी एक बना लेते हैं, स्मरण क्षमता अधिक होती है जो बच्चे जी। और जो हमारे यहाँ पुरुषोक्त का 16 मंत्र हैं जी, उसे भी रटाया जाता है पहले, उनको पढ़ा दिया जाता है जी, कि भोजन करते समय अवश्य बोलें उसको जी जी। तो सर जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसकी भी शिक्षाएं दी जाती हैं क्या? जी, ये वेद परंपरा है जी, एक इसमें भी आप आएंगे जी, तो एक व्याकरण जी, जो छात्र जो है व्याकरण पढ़ना चाहता है जी, इसमें अलग अलग हैं, जो ज्योतिष पढ़ना चाहता है वो ज्योतिष पढ़ता है, जो वेद पढ़ना चाहता है जी, वेद में भी ये शाखा है जी, ऋग्वेद की शाखा है जी, और ऋग्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद है जी, कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें जो है अलग अलग जो है पढ़ाए जाते हैं जी, सामवेद का अलग है जी, तो ये अलग अलग शाखा हैं, और ज्योतिष में भी है, सिद्धांत ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है, व्याकरण की भी परंपरा है, व्याकरण में भी जो है प्राचीन व्याकरण है जी, नव्य व्याकरण है जी, ये अलग अलग साहित्य अलग से पढ़ाया जाता है, दर्शन है जी, और पुराण है जी, ये सभी जो है विषय उसमें रहते हैं। संगीत की भी शिक्षा दी जाती है क्या? साहित्य में ही संगीत है। अच्छा। साहित्य में ही संगीत है, संगीत की परंपरा है उसमें, साहित्य में जैसे वाद्य यंत्रों की भी कुछ शिक्षा है? की भी जी जी है जी जी, जी उसकी भी व्यवस्था जी, उसकी भी उसके संबंध में दी जाती है जी जी। वो तो संस्कृत में ही ये सभी जो भी आप देख रहे हैं संस्कृत में ही निहित हैं जी, और वह यहाँ वह परंपरा है जी, कंठ संगीत हो, वाद्य संगीत हो, ये सभी की परंपरा है यहाँ जी जी। तो पोशाक के संबंध में सर जी थोड़ा बता दीजिए। वेश में हमारे यहाँ जो वेशभूषा जो गढ़वेश होता है वो धोती कुर्ता है, धौत वस्त्र होता है, धोती कुर्ता जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसी से है, जो छात्र अगर 13 वर्ष का होगा, 12 वर्ष का, वो भी धोती कुर्ता धारण करेगा, जो आचार्य है वो भी धोती कुर्ता धारण, सारे लोग धोती और कुर्ता जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको धारण करते हैं, और शायद उसमें अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के जो वस्त्र लोग धारण कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपने आप को सुकून महसूस करते होंगे, संभवतः इसी वजह से लोग यहाँ पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर रहने और खाने की महाराज जी की, और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से पूरे भारत में इस प्रकार से विद्यालय स्थापित हों, ताकि अपनी परंपरा पूरे भारत में बनी रहे और किसी प्रकार की कोई खतरा ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार से मैं संदीप चौहान आज गोरखनाथ मंदिर में स्थित श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य जी से बातचीत किया, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। ओके, नमस्कार।